ट्वेंटी एशिया कप 2022 में सुपर फोर गेम में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 सितंबर को मुकाबला हुआ था। इस मैच में भारत की हार हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा और इस बीच ये दावा भी किया गया कि भारत की हार को लेकर श्रीनगर में जश्न मनाया गया। राइट विंग चैनल सुदर्शन न्यूज ने ये वीडियो ट्वीट किया। सुदर्शन न्यूज ने दावा किया कि मैच में इंडिया की हार के जश्न में श्रीनगर में पटाखे फोड़े गए। फिलहाल सुदर्शन न्यूज ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। अगर खुद चैनल ने ये वीडियो श्रीनगर में भारत की हार को लेकर जश्न मनाए जाने के दावे से शेयर किया हो तो फिर इसके पत्रकार क्यों पीछे न रहे। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर कुमार ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावे के साथ ट्वीट किया और बिल्कुल सुदर्शन न्यूज के नक्शे कदम पर चलते हुए सागर ने बाद में ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। सुदर्शन न्यूज का ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो के बारे में जांच की तो पाया कि ये वीडियो हाल का नहीं है और न ही इसके साथ किया गया दावा सही है। वीडियो को गौर से देखने पर हमें शुरुआत में ही कुछ पल के लिए ये मस्जिद दिखी और बाद में जब पटाखों की आवाज बंद हो जाती है तो वीडियो में नारा तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे सुनाई देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर हमने फेसबुक पर उर्दू में सर्च किया। हमें अगस्त 2020 के कुछ वीडियोस मिले, इनमें भी वायरल वीडियो के जैसे ही नारे सुनाई देते हैं। 14 अगस्त 2020 के एक ऐसे ही पोस्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर श्रीनगर के नवाबतल इलाके में आतिशबाजी की गई थी। पोस्ट में इस वीडियो को श्रीनगर के नवाबतल का बताया गया है। लोकेशन वेरीफाई करने के लिए हमने गूगल अर्थ प्रो का इस्तेमाल किया। वीडियो में दिख रही मस्जिद और श्रीनगर के अबू बकर के पास नवाबतल चौक में स्थित मस्जिद एक ही है। श्रीनगर पुलिस ने भी इस वीडियो के बारे में ट्वीट करते हुए वायरल दावे का खंडन किया। यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि ये वीडियो श्रीनगर का ही है और तो और इसे हाल में हुए मैच से काफी पहले रिकॉर्ड किया गया था। सुदर्शन न्यूज जिसे ऑल्ट न्यूज ने कई बार फेक न्यूज शेयर करने को लेकर काउंटर किया है, लेकिन फिर भी बिना किसी जांच के अक्सर वायरल दावों के आधार पर ये चैनल फर्जी और भ्रामक जानकारियां शेयर करती है।